ये पोल्ट्रॉनिक्स का 10,000 mAh पावर बैंक है, ये मोबाइल 6,000 mAh है। तो आइडियली इसने इस मोबाइल को 0 to 100 एक बार एंड सेकेंड टाइम 0 to 50 to 60% चार्ज करना चाहिए। इसे चेक करते हैं, अभी ये पावर बैंक 80% चार्ज होगा। ये 6,000 mAh का मोबाइल इससे चार्ज करते हैं 9:31 PM, 11% बैटरी। लेटर इन द वीडियो वी विल ऑल्सो सी कि पावर बैंक को 0 to 100 चार्ज होने के लिए कितना टाइम लगेगा। ये डिवाइस को चार्ज होने देते हैं, तब तक मैं आपको पावर बैंक के फीचर्स के बारे में बताता हूँ। बहुत हल्का है, मेन मतलब इसका डिज़ाइन बहुत कूल है। इसमें मल्टीपल कलर ऑप्शंस भी अवेलेबल है, जिसको जो कलर पसंद हो वो आप ले सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे कलर्स के लिंक दे दिए हैं। कलर मुझे, मैंने ग्रीन लिया, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया है। ऐसा ऊपर जो पोर्ट्स हैं वो है टाइप सी का एक पोर्ट है एंड ये USB पोर्ट है। इन दोनों पोर्ट का इनपुट और आउटपुट अच्छे से नोट कर लो, क्योंकि आगे मैं थोड़ा इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ये जो टाइप सी का पोर्ट है, इसमें इनपुट मतलब चार्ज भी होता है एंड इसी से दूसरा मोबाइल भी हम चार्ज कर सकते हैं। ये जो टाइप सी का पोर्ट है, इसका आउटपुट है मैक्स 20 वॉट और ये USB का आउटपुट है मैक्स 22.5 वॉट्स। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लो, हाउ दिस वॉट इज कैलकुलेटेड, वोल्ट्स इंटू एम्पियर। अगर वो 15 वॉट्स है तो वो 5 वोल्ट्स 3 एम्पियर पे चार्ज होता होगा या फिर 3 वोल्ट्स 5 एम्पियर पे चार्ज होता होगा, कुछ भी होता होगा। करंट्स आर कॉम्प्लिकेटेड। एक्चुअली इसमें बटन भी है, सिंगल प्रेस ऑन, डबल प्रेस ऑफ। पावर बैंक में 4 लाइट्स हैं, 4 नहीं टेक्निकली 5 हैं। ये 4 LED इंडिकेटर्स है और ऊपर एक ग्रीन लाइट है। ये लाइट तभी ऑन होती है जब ये कनेक्टेड डिवाइस ड्रॉज मैक्सिमम पावर फ्रॉम योर पावर बैंक, जो कि वो ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे मैंने टर्न किया, नाउ दिस मोबाइल इज ड्राइंग मैक्सिमम पावर फ्रॉम द पावर बैंक। सेम चार्जिंग में भी अगर मैं इसे 8 वॉट के चार्जिंग को लगाऊं, सी नो ग्रीन लाइट। और अगर मैं इसे 30 वॉट के चार्जर को प्लग करूं, तो सी फास्ट चार्जिंग एंड ग्रीन लाइट। सो अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च, ये ग्रीन लाइट फास्ट चार्जिंग और ज़्यादा वॉटेज को डिनोट करती है। जब ये नया नया था ना 2 महीने पहले, तब क्या हुआ पता है, ऐसे ही रखा रहता था। 2 दिन पहले मैंने इसे चार्ज किया था एंड 2 दिन बाद मोबाइल चार्ज करने लिया तो कम्प्लीटली ड्रेन, चार्जिंग ही नहीं है। ऐसे ऐसे एनर्जी गई कहाँ पे? तो मुझे बाद में पता चला कि ये जो बटन है इसे दबाकर इसको ऑफ करना पड़ता है, नहीं तो फिर ये कंटिन्यूस ऑन रहता है एंड फिर उसमें बैटरी गायब हो जाती है, मतलब इसे चार्जिंग ख़त्म हो जाती है। सिंगल टैप चार्जिंग ऑन, डबल क्लिक चार्जिंग ऑफ। ये मोबाइल हमने 15% पे चार्जिंग पे लगाया था, इस मोबाइल को 15% से 85% तक फास्ट चार्जिंग 15 वॉट इसने चार्ज किया इन 2 hours 14 minutes। अगर आपने देखा होगा, इसने 85% पर ही चार्ज किया, क्योंकि मैंने बैटरी प्रोटेक्शन ऑन करके रखा हुआ है, जिससे बैटरी कभी 100% तक मेरी चार्ज नहीं होती, वो 85% तक ही चार्ज होती है। तो यहाँ एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आप में आता रहेगा कि यार इस पावर बैंक में ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन है क्या? अगर मतलब मेरा डिवाइस 100% से ज़्यादा चार्ज है तो क्या पावर बैंक करंट को स्टॉप कर देगा? एक्चुअली ये पावर बैंक नहीं करता है, ये जो सारा सिस्टम है ये इंक्लूड होता है BMS में, विच इज़ बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि मोबाइल के अंदर ही होता है। तो ओवर चार्जिंग के जितने भी प्रोटेक्शन वगैरह होता है वो डिवाइसेस में होता है, पावर बैंक में नहीं होता है। सो पावर बैंक में द एक्स्ट्रा फीचर दैट यू शुड बी लुकिंग फॉर इज नॉट ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन, वो होना चाहिए शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, क्योंकि वो मोबाइल में नहीं होता है। सो बेस्ट पार्ट इज इसमें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है और ये स्क्रीन के ऊपर तुम्हें जितने प्रोटेक्शन दिख रहे हैं। अभी ये सेकेंड मोबाइल है, पावर बैंक का चार्जिंग इज 2 sticks जो भी है एंड कंडीशन इज इसमें फास्ट चार्जिंग अनेबल नहीं होगा, फास्ट चार्जिंग ऑप्शन बंद है एंड प्रोटेक्ट बैटरी ऑन है। इसका है 11:57, 31% बैटरी। 49 मिनट्स में इसने इतना ही चार्ज किया और पावर बैंक खत्म हो गया। एंड अभी सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, अभी पावर बैंक इज एट 0, पावर बैंक में कोई चार्जिंग नहीं है, तो अभी पावर बैंक को चार्जिंग पे लगाएंगे। एक बात बताता हूँ, मैंने यहाँ पावर बैंक लगाया है एप्पल के चार्जर को, विच इज 30 वॉट्स। अपना पावर बैंक जो है वो 5 वोल्ट 3 एम्पियर ही ले सकता है इनपुट में, विच इज 15 या फिर 18 वॉट्स। इन सिंपल वर्ड्स, बाद में आप इसको कितना भी चार्जिंग दे दो, ये 15 वॉट या फिर 18 वॉट से ही चार्ज। सो इसका मतलब मैंने 30 वॉट्स के चार्जर में से इसने सिर्फ 15 वॉट्स ड्रॉ किया। ऐसे ही बैठा हूँ मैं कब से एंड वो एक लाइट बंद होने का नाम ही नहीं ले रही, 4 घंटे से वो रिकॉर्ड हो रहा है। ये देखो सी, यहाँ ये रिकॉर्ड हो रहा है, वहाँ एक लाइट ब्लिंक हो रहा है एंड इट्स बीन 4 आवर्स और मैं ऐसे ही बैठा हूँ। फाइनली ये चार्ज हो गया एंड टाइम लगा 4 आवर्स 23 मिनट्स। लेट्स स्टॉप दिस।
आई अंडरस्टैंड बहुत ज़्यादा टाइम है, लेकिन इतना टाइम में मेरे को कभी फ़र्क नहीं पड़ा। इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है बताए? रात को चार्जिंग पे लगाओ पावर बैंक और सो जाओ। जस्ट क्यूरियोसिटी के लिए मैं अभी इसे आईपैड चार्ज करके देखूँगा। 13% चार्ज है एंड टाइप सी से ही चार्ज करेंगे हम लोग। चार्ज हो रहा है, हाँ 12% हुआ। थोड़ी देर में चेक कर दें, अभी हो रहा है 8:12। अच्छा खासा फास्ट चार्ज हो रहा है, 8:13 ही हो रहा है, 14% हो गया, 8:34 एंड 33% चार्जिंग। तो 1% एक मिनट में 1% हो जाती है एंड ये ग्रीन लाइट ऑन थी, तो इससे आईपैड भी चार्ज हो जाता है। मैंने क्या डिसाइड किया, सब चेक हो ही रहा था तो मैं सोचा मैकबुक भी चेक कर लेते हैं। इसे जस्ट मैंने प्लग किया, ये चार्ज हो रहा है, ठीक है ये चार्ज हो रहा है, इट्स 8:35, 67% चार्ज। वैसे मैकबुक को चार्ज होने 30 वॉट्स मिनिमम लगता है, ये पावर बैंक सिर्फ दे सकता है 20 वॉट्स। 9678% एंड ये सिर्फ पावर बैंक की वजह से चार्ज, ये मेरे लिए अभी अनबिलीवेबल है। मैं बताता हूँ, मैंने इससे पहले भी चार्ज किया हुआ है। अगर जो मैकबुक का यूजेस है अगर उसमें बैटरी कम कंज्यूम हो रही है तो बैटरी चार्ज होगी, लेकिन जब मैं एडिटिंग कर रहा होता तो पावर बैंक से कभी भी मैकबुक चार्ज नहीं होता है क्योंकि पावर वो ज़्यादा यूज़ कर रहा होता है। सिर्फ मैंने इसे 749 में ख़रीदा था, वो भी अमेजोन से। इस प्राइस पॉइंट में मैं अपना फ़ोन, आईपैड जो कि अगर चार्जिंग कभी बैठे बैठे ख़त्म हो गए लेटे लेटे, इवन मैकबुक चार्ज कर पा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट मुझे मिलेगा, वो भी 749 में स्पेशली, और वो भी पोल्ट्रॉनिक्स का 1 साल की वारंटी के साथ। तो मैं फ़ोन और आईपैड चार्ज होने तक इम्प्रेस था, लेकिन जैसे मैकबुक चार्ज हुआ ना मैं यहीं बिक गया। मैंने बोला और 2-3 खरीद के रखते हैं, सबको घर में एक एक देंगे, गिफ्ट देंगे, मज़ा आ जाएगा, सब कुछ चार्ज हो जाए इसमें। मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ इसका जो आउटपुट रेंज है वोल्ट्स और एम्पियर्स का वो ज़्यादा होने की वजह से ये पावर बैंक इतना मस्त काम कर पाता है। एकदम वर्थ इट है, 100% खरीद लो, मज़ा आ जाएगा आपको। चलो भाई।